भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले से पहले मैदान में आया तूफान के साथ भारी बारिश। अगर बारिश के चलते रद्द हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला, तो यह टीम जाएगी सीधा फाइनल में, और किस टीम को होगा इसका फायदा, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आपके मुताबिक क्या टीम इंडिया T20 विश्व कप का खिताब जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। T20 विश्व कप 2024 में चार सेमीफाइनल की टीमें मिल चुकी हैं, जहां भारतीय टीम भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, और टीम इंडिया का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ होने जा रहा है। आपको बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल का यह मुकाबला गुरुवार 27 जून को खेला जाना है। यह मुकाबला गुयाना में होना है। हालांकि इस मुकाबले में बारिश का काला साया मंडरा रहा है, और बारिश की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला यह मुकाबला रद्द तक हो सकता है। आपको बता दें कि गुयाना में तेज तूफान आ रहा है और भारी बारिश भी देखी जा रही है, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन अब हर किसी के जहन में बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होता है, तो फिर इस मुकाबले का क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसे में इस मुकाबले के रद्द होने के बाद एक टीम सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, और वो टीम कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया है, क्योंकि टीम इंडिया ने अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इसीलिए बारिश की वजह से अगर ये मुकाबला रद्द होता है, तो टीम इंडिया को सीधे फाइनल का टिकट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप भी दुआ कीजिए कि फैंस को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले को देखने का पूरा आनंद मिले, और जल्द से जल्द गुयाना में बारिश रुक जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।